आज हम लिफ्ट के बारे में यहाँ पर ट्रेनिंग देंगे। एज ए हम लिफ्ट यूजर किन किन चीजों का, जब हम लिफ्ट का प्रयोग कर रहे हैं तो कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान देना है। दूसरी बात, लिफ्ट में रेस्क्यू कैसे कैसे किया जाता है, अगर कोई बंदा इसमें फंस जाए तो उस समय हमारा जैसे लिफ्ट टेक्नीशियन है ये या सिक्योरिटी गार्ड है तो किस तरह से इसमें से कोई फंस जाता है तो किस तरह से निकालते हैं लिफ्ट के अंदर से। तीसरा हमारा पॉइंट रहेगा कोई लिफ्ट में क्या सेफ्टी है, अगर हम इसमें ट्रेवलिंग कर रहे हैं तो इसमें क्या क्या सेफ्टी हमारी काम करती है। तो सबसे पहले जब भी हम लिफ्ट का यूज करते हैं एज ए यूजर की, जैसे एज ए हम रेजिडेंस हैं या फिर यहाँ पर वर्किंग है, तो जब भी हमें लिफ्ट से ऊपर फ्लोर पे जाना है तो ऊपर वाला जो एरो बना है ये इसको बोलते हैं लैंडिंग एलओपी बटन, लैंडिंग ऑपरेटिंग पैनल, ठीक है। इसको यहाँ से पुश करेंगे, ऊपर का एरो बना है तो ऊपर जाना है तो ऊपर के लिए इसको पुश करेंगे। तो ये ग्राउंड के बाद यहाँ पे बेसमेंट नहीं है इसलिए यहाँ पे सिंगल दे रखा है, बाकी आप ऊपर फ्लोरों पे जाओगे तो नीचे का एरो भी रहता है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, जाना उन्हें नीचे और ऊपर का बटन प्रेस कर देते हैं, ठीक है। तो इस चीज का हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि जब भी हमें अगर ऊपर जाना है तो ऊपर वाला एरो का जो बटन प्रेस करना, नीचे जाना है तो नीचे का। नंबर सेकंड, जब भी हमारी लिफ्ट यहाँ पे जैसे फ्लोर पे आ गई तो सबसे पहले हमें ऐसा नहीं कि हम फोन में हमारा ध्यान है, फोन की तरफ ध्यान नहीं होना चाहिए, हमारा ध्यान नीचे भी होना चाहिए। जैसे हमारी लिफ्ट आई है तो पहले सामने देख लें कि भाई लिफ्ट हमारी आई है यहाँ पे फ्लोर पे, खुली है नहीं खुली, और इसका जो ये लेवल है, कई बार लिफ्ट में किसी टेक्निक कोई प्रॉब्लम की वजह से लेवल इसका ऊपर या नीचे हो जाता है तो कई बार यहाँ पे ठोकर लग सकती है, आप गिर सकते हो, तो इसका लेवल का भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब तीसरी बात, जैसे अगर हम बाय द वे लिफ्ट में यूज कर रहे हैं, ट्रेवलिंग कर रहे हैं ऊपर या नीचे की तरफ, और किसी वजह से हम लिफ्ट के अंदर बंद हो जाते हैं, लाइट सप्लाई चली जाती है हमारी, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है कि हमें बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना, यानी परेशान बिल्कुल नहीं होना है। अगर लिफ्ट के अंदर आप फंस गए तो सबसे पहले हमें, अगर इंटरकॉम लगा है तो इंटरकॉम के द्वारा मेंटेनेंस ऑफिस में या सिक्योरिटी गार्ड को कॉल करके बता सकते हैं। उसके बाद इसमें एक अलार्म पुश बटन होता है, उसको भी हम प्रेस करके उसको भी दबा सकते हैं। अलार्म का कई बार होता है कि हमारी लिफ्ट जो है 10 फ्लोर 15 फ्लोर या उससे ऊपर है तो उनको ये लगता है जो लिफ्ट के अंदर है, भाई हम ये बटन पुश कर रहे हैं हमारी वॉइस जा रही है कि नहीं जा रही है। लेकिन इसका जो अलार्म की जो बेल बजती है वो ग्राउंड फ्लोर पे ही होती है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। तो बेल की आवाज जरूर इसमें डेली, हमारी लिफ्ट टेक्नीशियन डेली इसको चेक करते हैं कि भाई हमारी प्रॉपर बेल इसकी काम कर रही है नहीं कर रही है। इसके लिए ये एक बार दिखा भी दो, ये अलार्म पुश बटन है इसमें, ठीक है, ये वाला, इसको हम जब दबाएंगे तो ये इस तरह से यहाँ पे वॉइस की आवाज आने लगेगी, ठीक है। तो जो भी गार्ड है हमारा या कोई भी बंदा है, अगर कोई लिफ्ट वाला भी है या कोई हाउसकीपिंग का बंदा है या कोई अदर है, अगर उसे आवाज सुन रहा है तो जाके वहां पे गार्ड को सूचित करे या मेंटेनेंस ऑफिस में बताए कि भैया लिफ्ट में कोई फंस गया है। गार्ड की रेस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि जब भी कोई लिफ्ट में फंसता है तो तुरंत दौड़ के जाए और पहले पता करे भाई कौन से फ्लोर पे फंसा हुआ है बंदा, तो उसको थोड़ी सांत्वना दे के सर हमारे जो लिफ्ट टेक्नीशियन आ रहे हैं अभी आपको निकाल देंगे लिफ्ट के अंदर से, ठीक है। तीसरा इसमें नहीं जलता वो क्या, लाइट कट गई, हाँ इसका तो दिखाई नहीं देता है, मतलब ये फ्लोर नहीं दिखता, तो उसके लिए लिफ्ट टेक्नीशियन है, आपको कुछ नहीं करना, वो लिफ्ट टेक्नीशियन अपना काम करेगा, आपको मेंटेनेंस ऑफिस में कंप्लेंट करनी है। लेकिन आपको जो बंदा वहाँ पे रेजिडेंस उसमें फंसा हुआ है उनको जाके ये जरूर बताना है, सर मैम जो भी है मैंने मेंटेनेंस ऑफिस में कॉल कर दिया, मैं इस टावर का सिक्योरिटी गार्ड हूँ, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपको कुछ टाइम में जल्दी हमारे लिफ्ट टेक्नीशियन आएंगे बाहर निकाल, ठीक है, क्लियर। और इसमें एक हमारा रहता है कैमरा होता है, कई बार हमारे यहाँ के कैमरे कहाँ पे लग रहा है, शो कहाँ पे कर रहा है, मेंटेनेंस ऑफिस में या गार्ड, तो हमारा इसमें क्या है एक कैमरा भी लगा हुआ है जिसमें हमारा या कहीं पे मेंटेनेंस ऑफिस में सिक्योरिटी गार्ड भी उसका पूरा टीवी स्क्रीन पे दिखता है, कोई बंदा उसका फंस तो नहीं गया, तो वहां से हम जस्टिफाई कर सकते हैं। फिर इसमें लास्ट आता है कि भाई हम फंस गए, किसी को हमें लग रहा है किसी को पता ही नहीं चल रहा, ये कोई भी सिस्टम काम नहीं कर रहा है, तो आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना सबसे पहले, क्योंकि हो सकता है जैसे सप्लाई वगैरह गई है तो थोड़ी देर में लिफ्ट हमारी चलेगी या कोई ना कोई लिफ्ट यूज करेगा वो कंप्लेंट करेगा जब लिफ्ट नहीं चलेगी, तो उस कंडीशन में हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं होता है। क्या इसमें फैन बंद हो जाता है, पंखा वगैरह बंद हो गया तो लोग घबरा जाते हैं, इसमें प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए भी इसमें ऊपर साफ्ट इसमें रहती है पीछे, तो
तो यहाँ पे ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होगी। तो लोग ज्यादातर घबराते हैं, आपको सबसे पहले घबराना है। अब हम बात करते हैं कि भैया लिफ्ट में सेफ्टी क्या क्या होती है, या इसमें लिफ्ट में पहले रेस्क्यू की बात कर लेते हैं कि लिफ्ट में रेस्क्यू कैसे किया जाता है एज ए लिफ्ट टेक्नीशियन या एज ए सुपरवाइजर ये सिक्योरिटी का। जब भी कोई बंदा हमारा फंसता है तो सबसे पहले हम ये लैंडिंग डोर की की होती है, ठीक है, लैंडिंग डोर की ये की से इसको दरवाजे को हम खोल ले रहा हूँ, तो इसको दरवाजे को हम यहाँ से खोल लेते हैं। खोल के हमें सबसे पहले देखना भाई लिफ्ट हमारी सामने है या फिर इसमें अंदर की तरफ, कहीं ऐसा नहीं लिफ्ट अंदर नहीं है तो ऐसे करके झांक के देखना है कि हमारी लिफ्ट किस फ्लोर पे है, ठीक है। फिर जाके हमारा जिस फ्लोर पे है, जिस फ्लोर पे बंदे फंसे हुए हैं, वहां से हमें लैंडिंग डोर उस फ्लोर का ओपन करना है। और उसके बाद ये देखना अगर हमारी लिफ्ट लेवल पे है, थोड़ा बहुत लेवल आउट है, तभी हमें बंदों को बाहर निकालना है। अगर हमारा बहुत बार क्या होता है, हमने यहाँ से लिफ्ट खोली और लिफ्ट हमारी यहाँ है, यहाँ पे खड़ी, यानी कि आधी इस फ्लोर पे आधी ऊपर वाले फ्लोर पे है, तो उस कंडीशन में हमें ये दरवाजा लैंडिंग डोर से नहीं खोलना है। तो दूसरा हमारा ऑप्शन होता है रेस्क्यू करने का, कार टॉप के ऊपर जाना है और वहां पे इंस्पेक्शन में लिफ्ट को डाल के इंस्पेक्शन में हम लिफ्ट को अप या डाउन कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अप डाउन करके तब हम लिफ्ट को रेस्क्यू कर सकते हैं लेवल पे लाके, फ्लोर लेवल पे। उसके बाद हमारी लिफ्ट तब भी हमारी लिफ्ट से उसको बंदे जो फंसे हुए उनको बाहर निकाल सकते हैं। तीसरा हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम मशीन रूम में जाके मोटर ब्रेक के द्वारा, कई बार लेवल आउट हो गई है या हमारी सप्लाई पीछे से कट हो गई है, भाई सप्लाई नहीं आ रही, हमारा डीजी बैकअप भी नहीं आ रहा, बंदे फंसे हुए हैं, तो उस कंडीशन में हम मोटर ब्रेक के द्वारा वहां पे, हम उसके लिए दो बंदे कम से कम होने चाहिए, एक लिफ्ट के पास रहे और एक ऊपर से, और जो बंदा लिफ्ट के पास रहेगा उसे हमारा लैंडिंग डोर बिल्कुल नहीं खोलना है, जो मशीन रूम का बंदा होगा वही पूरा प्रोसेस ऊपर से करेगा, ठीक है। उसमें हमारी लिफ्ट नीचे की तरफ नहीं आती, ऊपर की तरफ आती है, जब हम मोटर ब्रेक के द्वारा निकालते हैं, रेस्क्यू करते हैं। अब हम बात करते हैं भाई लिफ्ट में सेफ्टी क्या क्या होती है, हम एज ए यूजर इसमें ट्रेवलिंग तो कर रहे हैं लेकिन हम क्या इसमें सेफ है, तो हम सेफ्टी की इसमें बात करेंगे क्या क्या इसमें सेफ्टियां होती है। तो सबसे पहले इसमें हमारी सेफ्टी होती है ARD का पूरा नाम होता है ऑटो रेस्क्यू डिवाइस। इसका क्या काम है, हमारी सप्लाई जाने पर, मान के चलिए हमारी जब कभी ट्रेवलिंग कर रही है लेकिन अचानक से सप्लाई ब्रेक हो गई, तो हमारी पावर जो डीजी की जो सप्लाई है उसको आने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो उस कंडीशन में हमारी ऑटो रेस्क्यू डिवाइस जो होती है वो हमारी जब को जो भी नियरेस्ट फ्लोर होगा, ऊपर वाला है नीचे वाला किसी एक फ्लोर पे, वो क्या करती है ब्रेक को रिलीज कर देती है। ARD में चार बैटरियां लगी होती है 12 वोल्ट की, वो मोटर को नहीं घुमाती, वो क्या करती है सिर्फ ब्रेक को रिलीज कर देती है। तो जहां पे लिफ्ट का बैलेंस होगा भाई नीचे की तरफ, उसमें वेट ज्यादा आ रहा है तो नीचे वाले फ्लोर पे लाके लिफ्ट को ओपन कर देगी, और ऊपर का कई बार क्या है भाई काउंटर वेट हमारा नीचे की तरफ वेट ज्यादा दे रहा है लिफ्ट ऊपर की तरफ, तो ऊपर वाले फ्लोर पे जाके लिफ्ट को ओपन कर देगी। तो सबसे पहले इसमें सेफ्टी क्या होगी, ARD ऑटो रेस्क्यू डिवाइस। नंबर दो होती है इसमें डोर सेंसर, ARD लिफ्ट रूम में लगी रहती है। नंबर दो होता है इसमें डोर सेंसर, जो हमारे इसमें डोर होते हैं, इसमें दो तरह के डोर होते हैं, एक हमारा होता है लैंडिंग डोर बोलते हैं, जो इधर की तरफ हमारा जो फ्लोर की तरफ है बाहरी वाला, ये जो डोर है इसको बोलते हैं लैंडिंग डोर। इसमें एक अंदर वाला कार डोर होता है जो हमारा कार के अंदर है, तो इसमें दो दरवाजे होते हैं, बाहर वाले को लैंडिंग डोर और अंदर वाले को कार डोर, ठीक है। तो हमारे जो सेंसर लगे रहते हैं वो कार वाले डोर में, उसमें हमारे डोर सेंसर लगे रहते हैं, वो भी एक हमारी सेफ्टी है। वो सेफ्टी कैसे, जब भी हम लिफ्ट, जैसे लिफ्ट का हमने पुश किया, लिफ्ट हमारी जा रही है, अचानक से कोई बंदा आया उसने ऐसे करके हाथ कर दिया या किसी ने पैर कर दिया, गलती से पूरा अंदर नहीं हो पाया और हमारा दरवाजा लगने लगा, तो उस कंडीशन में हमारा जो डोर सेंसर होते हैं वो सेंस करके और दरवाजे को ओपन कर देते हैं। तो नंबर दो सेफ्टी होगी हमारी डोर सेंसर सेफ्टी। नंबर तीन होती है हमारी ओवर स्पीड गवर्नर। जैसे हमारी ये लिफ्ट की जो स्पीड है हर जगह फ्लोर के हिसाब से, जैसे यहाँ पे कम हाइट के फ्लोर हैं तो यहाँ पे कितनी सेफ्टी, 1.5 पर सेकेंड, मतलब 1.5 पर सेकेंड मीटर, ये लिफ्ट की यहाँ पे स्पीड है। तो उस स्पीड से जैसे ही हमारी, कई बार क्या है कोई अचानक से लिफ्ट की स्पीड बढ़ जाती है, या मान के चलिए हमारी रोप ही टूट गई, रोप टूट जाएगी तो लिफ्ट तेज भगेगी, तो उस कंडीशन में हमारी ओवर स्पीड गवर्नर काम करता है, जो हमारी लिफ्ट को वहीं की वहीं इमरजेंसी एक तरह से ब्रेक
लगा देता है। तो तीसरी सेफ्टी होगी हमारी ओवर स्पीड गवर्नर। तो बहुत से लोगों का ये भी डाउट होता है कि भाई लिफ्ट टूट जाएगी या अचानक से लिफ्ट जो है अचानक से गिर गई तो उस कंडीशन में, तो इसमें ऐसा दोस्तों कुछ भी नहीं होता। कभी लिफ्ट जो है टूट के गिर ही नहीं सकती, क्योंकि इसके अंदर 5 से 6 रोप होती है, 5 से 6 रोप होती है, SS की रोप होती है, उसको टूटने कोई मतलब नहीं है। अगर हमारी कोई टूटेगी तो एक रोप टूट जाएगी, दो टूट जाएगी, भाई ऐसा थोड़ी हो सकता है कि सारी रोप टूट जाए। तो ये भी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि हमारी कोई रोप टूट सकती है। तो उस चीज से भी आदमी बिल्कुल निश्चिंत रहे, भैया ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, चौथी हमारी सेफ्टी आती है इसमें काउंटर वेट बफर स्विच, जो हमारे पिट के अंदर लगे रहते हैं। और एक होता है हमारा कार बफर स्विच, वो भी पिट के अंदर होते हैं। उनका काम क्या, अचानक से किसी भी कारण से अगर हमारी लिफ्ट अगर टूट भी जाती है बाई, ऐसा कभी हुआ नहीं है फ्यूचर में कि कभी हमारी लिफ्ट कोई टूट के नीचे गिर गई हो, अगर हमारी रॉक टूट भी जाती है और लिफ्ट किसी कारण से नीचे गिर जाती है, तो उस कंडीशन में हमारे एक काउंटर वेट बफर स्विच लगे होते हैं। तो हमारे उसके लिए होते हैं, वहां पे क्या है एक तरह से स्प्रिंग टाइप की लगी रहती है, उस पे वो बफर करने रहते हैं ऐसे। ठीक है, और लिफ्ट का होता है बफर स्विच पिट के अंदर ही, अगर हमारी गिरती है तो उस बफर पे जाके हमारी लिफ्ट गिरती है, तो उस पे क्या ऐसे बफरिंग करती है, एक दो बार ऐसे 2-3 बार ऊपर नीचे जाएंगे, लेकिन उसमें जो बंदे वो एक दो बार ऐसे हिलडुल सकते हैं, लेकिन उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा, बिल्कुल सेफली वो बाहर निकलेंगे। एक हमारा होता है इसमें फायरमैन स्विच, एक हमारा यहाँ पे फ्लोर पे होता है, ये फायरमैन स्विच है, ये भी हमारी लिफ्ट की सेफ्टी है। इसका जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि फायरमैन स्विच, इसका यूज हम जब करते हैं किसी फ्लोर पे, मान के चलिए कहीं पे आग लगी ऊपर किसी भी फ्लोर पे, आपको पता चला कि वहां आग लगी है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं लोग जल्दबाजी में लिफ्ट का यूज करने लगते हैं। तो उस कंडीशन में जब भी आग लगी है सबसे पहले हमें लिफ्ट का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। तो अगर किसी भी बंदे को पता चला कि भाई हमारा यहाँ पे आग लग गई है, तो वो नीचे से बंदा जैसे सिक्योरिटी गार्ड है या लिफ्ट टेक्नीशियन है, अगर कोई भी टेक्निकल बंदा है, तो हमारा फायरमैन स्विच को यहाँ से, इसमें ये ऑप्शन दिया है, ये या तो पेच, यहाँ पे एक पेच ये घटा हुआ है, इसको ऐसे ओपन करके ये जो फायरमैन स्विच है इसको नीचे की तरफ कर देंगे, तो ये हमारा फायरमैन स्विच एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद ये लिफ्ट जिस भी फ्लोर पे होगी सीधी हमारी ग्राउंड फ्लोर पर आके रुकेगी, कोई भी बीच में किसी ने भी कॉलिंग इसको दे रखी है किसी ने भी बंदे ने, तो वहां किसी भी फ्लोर पे हमारी लिफ्ट नहीं रुकेगी, सीधी हमारी ग्राउंड फ्लोर पे आके रुकेगी, और कोई इसको ऊपर नीचे अंदर COP बटन से भी कॉलिंग देगा तब भी हमारी लिफ्ट कहीं भी नहीं जाएगी, जब तक कि इसको डीएक्टिवेट नहीं करेंगे। ठीक है, तो फायर लगने कंडीशन में क्या होता है कि हमें लिफ्ट का यूज बिल्कुल नहीं करना होता है, उस समय हमें स्टेयर का यूज करना है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल जनित स्किल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।